हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, एमडी पंचकर्मा, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम कोचिंग क्लासेस भोपाल से। आज का टॉपिक हमने पारे के स्टार्टिंग के 80 पेज लिया हुआ है। पर डे हम एक एक पेज को पढ़ेंगे। हमने स्टोर पर अभी नया नया कोर्स लॉन्च किया हुआ है, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप, जो कि आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर अभी ये न्यू कोर्स लॉन्च किया हुआ है। इसमें आपको 80 वीडियोस रिकॉर्डेड अवेलेबल होंगे। वहां पर हर पेज का एक एक वीडियो रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं तुलनात्मक अध्ययन। हाँ, तो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, जो पारिक के स्टार्टिंग के 80 पेज होते हैं, यहाँ से हर एग्जाम में 25+ क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ वही दिया हुआ है जो हमने सब्जेक्ट में पढ़ा, संहिता में पढ़ा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो थोड़े से टफ टॉपिक होते हैं, सिमिलर टॉपिक होते हैं, यहाँ पे इकट्ठा दे दिया है, तो हम साथ में बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। और आपको हर एक क्लास में, टिप ऑफ टंग, क्लास में ही याद हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कोड के थ्रू ही पढ़ेंगे। कुछ चीजें हैं जो समझा कर याद करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं त्रिसूत्र, हेतु, लिंग, औषध। त्रिसूत्र का ही एक और पर्याय होता है त्रिस्कंध। दोनों एक दूसरे का पर्याय होता है। कैसे याद करेंगे? तो देखिए, जो पंडित होते हैं वो अपने स्कंध पर सूत्र धारण करते हैं, जनेऊ धारण करते हैं। तो याद हुआ, स्कंध पर सूत्र का धारण करते हैं। तो क्या है ये? हेतु, लिंग और औषध। नेक्स्ट आता है त्रिदंड। त्रिदंड क्या है? सत्व, आत्मा, शरीर। तो जब हम कुछ भी गलत काम करते हैं, हमारी आत्मा हमको दंड देती है। याद कैसे करेंगे? आत्मा दंड देती है। तो आपको याद रहेगा कि त्रिदंड में कोई आत्मा वाला भी आता है। जब आत्मा वाला आपको याद हो जाएगा ना, मतलब याद आ जाएगा, तो आप पता कर सकते हैं कि सत्व, आत्मा, शरीर इसमें आएगा। त्रिस्थूण, त्रिस्तंभ, दोनों एक दूसरे का पर्याय है। याद रखेंगे हम कि जो हमारा घर बनता है ना, उसमें स्तंभ लगे रहते हैं। अगर वो घर के स्तंभ स्थूल हो, घर के स्तंभ स्थूल हो, तो हमारा घर लंबे समय तक टिका रह सकता है। तो स्तंभ को स्थूल होना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे का पर्याय। और आप लोग सभी जानते हैं आयुर्वेदा की जान क्या है, हमारे शरीर की जान क्या है? वात, पित्त और कफ। फिर है त्रय उपस्तंभ, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। चरक जी बताते हैं ऐसा, बागभट जी ने अकेला चेंज किया है, ब्रह्मचर्य की जगह उन्होंने अब्रह्मचर्य बोला है। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे अब्रह्मचर्य। ठीक है, यहाँ पे त्रय उपस्तंभ है, यहाँ पर क्या है? स्तंभ है। स्तंभ होता है वात, पित्त, कफ। उपस्तंभ क्या है? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट आता है स्कंध त्रय। अब स्कंध त्रय, त्रय स्कंध एक दूसरे का पर्याय होता है, सॉरी अलग अलग चीजें हैं। त्रिस्कंध में क्या है, स्कंध त्रय में क्या है? बस आगे पीछे है। इसीलिए हम कैसे याद करेंगे? त्रय स्कंध त्रय में या है ना, यहाँ पर आप द्रव्य के या में अंडरलाइन कर देंगे। स्कंध त्रय या है तो द्रव्य में भी या है। तो आपको इस तरीके से याद रहेगा कि त्रिस्कंध में क्या आता है और स्कंध त्रय में क्या आता है, क्योंकि हमने लास्ट लास्ट वर्ड वाला मैच कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है धूम्रपान। तो धूम्रपान के विभिन्न आचार्य के अकॉर्डिंग हम याद करेंगे यहाँ पे। तो आचार्य चरक ने 3 बताया हुआ है, सुश्रुत ने 5 बताया हुआ है, शारंगधर ने 6 बताया हुआ है, और अष्टांग हृदय बागभट जी ने ये कितना बताया है? 3 ही बताया है, चरक के जैसे। आप इसको ऊपर ही लिख लें, कंफ्यूजन नहीं होगा। अष्टांग हृदय के भी 3 है। बस प्रमाण में अंतर होता है, जो प्रायोगिक होता है अकेला वो चेंज होता है। तो याद करेंगे हम धूम, नेत्र प्रमाण, अंगुल प्रमाण में आचार्य चरक का, सुश्रुत का, शारंगधर का। यहां पे आप वर्टिकली कैसे याद करेंगे? प्रसव से याद करेंगे। प्रा से प्रायोगिक, सा से स्नेहिक, बा से वैरचनिक। हमारी ट्रिक क्या बन गई? डिलीवरी हिंदी में प्रसव। ठीक, सुश्रुत ने 3 ऐसे के ऐसे ही नाम से बताया हुआ है,
चेंज दो एक्स्ट्रा कौन से ऐड कर दिए सुश्रुत जी ने, कासग्न और बामक को ऐड कर दिए। ठीक है, शारंग जी ने शमन मृदु तीक्ष्ण सेम टू सेम अन्य आचार्यों जैसे बताया हुआ है, कासग्न बामक और व्रण धूमपान। कासग्न बामक सुश्रुत ने ही बोला है, एक्स्ट्रा जो एडवांस है सुश्रुत जी से वो कौन सा है, व्रण धूमपान, जिसका प्रमाण होता है 10 अंकों। अभी हमने ओनली पढ़ा है, अब हम इनका कोड बनाकर प्रमाण भी याद करेंगे। तो देखिए कैसे याद करते हैं, हम 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं। पढ़ाने से पहले मैं आपको शारंगधर का थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे शमन मृदु तीक्ष्ण लिखा है, फिर आप बोलोगे कि यहाँ पे तो प्राय विस्वाहिक वैरचनिक लिखा है, तो क्या इनका ये अलग है? इनका ही पर्याय होता है, मैंने वो भी लिखा हुआ है, आप यहां से पढ़ सकते हैं उसको। आचार्य शारंगधर के अनुसार धूमपान के 6 प्रकार हैं, शमन, ब्रह्मण, रेचन, कासग्न, बामक और व्रण धूमपान। अब यहाँ पे जो शमन होता है ना, उसी को उन्होंने मध्यम प्रायोगिक बोला है, शमन का ही पर्याय है मध्यम प्रायोगिक। ब्रह्मण का पर्याय है स्नेहिक मृदु, रेचन का पर्याय होता है शोधन तीक्ष्ण। इसीलिए हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इनका प्रायोगिक है तो इनका शमन हो गया शोधन हो गया, क्योंकि वो एक दूसरे का पर्याय ही होता है। रेचन का शोधन तीक्ष्ण 34 अंगुल है, कासग्न का 16 अंगुल है, फिर बामक हो गया, फिर व्रण धूपन हो गया 10 अंगुल। तो हम वापस आ जाते हैं वहीं पर, याद करेंगे पहाड़े से, याद करेंगे 8 का पहाड़ा। 8 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे नीचे से, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 5 40 होता है। तो 40 हमको सुश्रुत में नहीं करना, 40 हमको कहाँ कर देना है, शारंगधर किस में कर देना है और बागभट्ट किस में करना है, वो अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको बागभट्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, 8 का ही पहाड़ा पढ़ा हमने, तो 8 5 40 यहाँ पे हो गया, 8 6 48 यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई पहाड़ा नहीं है। मेनली हमको याद क्या रखना है, जो प्रायोगिक होता है इसका ही प्रमाण अलग अलग बताया हुआ है। ठीक है, वो अपन ने पहाड़े से याद कर लिया। अब आ जाते हैं हम कासग्न बामक और ब्रणधूमपान। तो यहां पर तो 16 ही 16 था जो पहाड़े से कंप्लीट हो गया था हमारा, अब चेंजेस याद करेंगे। शारंगधर जी ने कासग्न तो सुश्रुत के जैसे बताया है 16, लेकिन वामक की जगह 16 ना बता के वामक को कितना बता दिया उन्होंने, 10 अंगुल बता दिया। याद कैसे रहेगा, शारंगधर के दो चीजें 10 10 अंगुल है, कौन सी दो, एक व्रण धूमपान 10 अंगुल है, एक वामक 10 अंगुल है, बस एक ही है जो 16 अंगुल है। ठीक है, अब आ जाइए बागभट्ट के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। आचार्य बागभट्ट के अकॉर्डिंग 3 प्रकार का होता है मुख्यतः, मध्य, स्निग्ध और तीक्ष्ण। तो मध्य में कितना है, 40, जो मैंने 8 5 40 शारंगधर का और बागभट्ट का सेम बताया था वही हो गया। स्निग्ध कौन कितना है, 32 है, तीक्ष्ण कितना है, 24 है। जो सेम टू सेम शुरुआत के 3 भेद शारंगधर जी ने बताए हैं, वही के वही सेम बागभट्ट जी ने भी बताए हुए हैं। तो शारंगधर के शुरुआत के 3 बागभट्ट के समान ही है। अब पर्याय कैसे याद होगा, ये प्रॉब्लम आती है, तो पर्याय भी हम याद करेंगे। शमन में मध्यम और प्रायोगिक, देखो शमन में मा आ रहा है ना, तो मा से ही आप मध्यम याद रख लो। हाँ, तो हमारा एक प्रैक्टिकल होता है, हमारी एक प्रायोगिक परीक्षा है कि हम हर व्याधि का शमन करेंगे, तो प्रैक्टिकल परीक्षा हमने प्रयोग किया कि सभी चीजों का शमन करना है, तो शमन मध्यम और प्रायोगिक हो जाएगा। ब्रह्मण स्नेहिक मृदु, पहले तो हम स्नेहिक मृदु को कंपेयर करके याद कर ले। जब किसी के बॉडी में, किसी रोगी की बॉडी में बहुत ज्यादा पेन है, तो हम क्या लिखते हैं उसको, कि इसका मृदु अभ्यंग कर देना, मृदु मृदु स्नेहन कर देना। क्यों, ज्यादा दबा के करेंगे तो उसको पेन और बढ़ जाएगा, तो मृदु मृदु स्नेहन करते हैं। या फिर
स्नेहन करने से बॉडी मृदु हो जाती है, तो स्नेहिक मृदु एक दूसरे का पर्याय है। और स्नेहपान क्या होता है? ब्रंघण कारक होता है, ब्रंघण कराते हैं। ठीक है, रेचन होता है शोधन तीक्ष्ण, तो विरेचन किन औषधियों से कराते हैं हम? जो औषधियां तीक्ष्ण होती हैं, जो औषधियां शोधन का काम करती हैं, उनसे हम रेचन कराते हैं। पर्याय भी हमने याद कर लिया, नंबर भी याद कर लिया। तो इसी तरीके से हमारी जो क्लासेस होती हैं ऐप के थ्रू, जो हमारी लाइव कंडक्ट होती है, एवरीडे आती है, वही क्लास रिकॉर्ड होकर सेव भी हो जाती है ऐप पर ही, उसको आप कभी भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो कंपैरिजन करके पढ़ा है, ऐसा कैसा पूरा सब्जेक्ट में आपको सर पढ़ाते हैं। अगर एक पॉइंट आता है त्रसूत्र आया, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सर आपको पूरा कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, हमको सारी चीजें इकट्ठा याद हो जाती है। जब वो पॉइंट कहीं और रिपीट होता है तो हमको प्रीवियस सारी चीजें याद भी आती हैं, है ना। एक और चीज इसमें रह गया, त्रसूत्र, जिसको आप रसशास्त्र में पढ़ेंगे सर आपको पढ़ाएंगे। रसशास्त्र में त्रसूत्र क्या होता है? सूत, पारद और मिश्रक, इसको त्रसूत बोला जाता है। ये त्रसूत है, यहाँ पे क्या है? त्रसूत्र है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, सूपा या फिर सूप में। सूप में हमने क्या मिला दी? मिश्री मिला दी, सूप में मिश्री। तो सूप से सूत, पा से पारद, मिश्री से क्या हो जाएगा? मिश्रक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आता है, सुश्रुत के अनुसार व्रण धूपन नेत्र की लंबाई। तो व्रण धूमपान 8 अंगुल था, सारंगधर जी का सुश्रुत ने व्रण धूपन नेत्र की लंबाई 8 अंगुल बताई है, और बापड़ जी ने भी यहाँ पे 8 अंगुल बताया हुआ है। 10 को कट करके यहाँ पे कुछ चीजों में करेक्शन भी हमको करना है इस बुक में, इसलिए साथ साथ में करते चलेंगे। एक और बागभट्ट का पॉइंट छूट गया है, बागभट्ट जी ने एक और प्रकार से धूम्रपान का भेद बताया हुआ है। जैसे मुख्यतः 3 प्रकार का मैंने आपको पढ़ा दिया, शारंगधर जी ने एक कासग्न भी बताया है अलग से, कासग्न का प्रमाण, सॉरी बागभट्ट जी का, शारंगधर का नहीं, बागभट्ट ने 8 अंगुल या 10 अंगुल का प्रमाण, दोनों प्रमाण बताए, 8 भी हो सकता है 10 अंगुल भी हो सकता है, जिसका उपयोग कासग्न फॉर्म में किया जाता है। ये धूम्रपान बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए काफी टाइम लगता है, इसका एक सेपरेट वीडियो यूट्यूब चैनल पर ही है, आप उसको वहां से देख भी सकते हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट हमारा रह गया है, कौन सा धूम्रपान किस मार्ग से हमको करना चाहिए, वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, पहले तो मुख, फिर एक नासा, और एक होता है उभय, मतलब दोनों मार्ग से कर सकते हैं। तो पहले तो मुख वाले हम लिख लेते हैं, तो याद भी करते चलेंगे साथ में। मुख से हमको क्या क्या चीजें आती हैं? एक तो खांसी आती है, तो कासग्न, सुश्रुत जी ने बताया ये ना, मुख से हमको कासग्न धूम्रपान करना है, और दूसरा क्या, वामक धूम्रपान भी मुख से करना है। याद कैसे किया? खांसी मुख से आती है, वमन मुख से होता है। ठीक है, अब होता है उभय, मतलब दोनों से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोनों से, सोचकर बताइए। या तो हम स्नेहपान मुंह से कर सकते हैं, या फिर नाक से नस्य के रूप में कर सकते हैं। तो उभय मतलब नासा और मुख से हम स्नेह ही कर सकते हैं। बचा हमारा कौन सा? 2 बच गया। कौन कौन सा बच गया? प्रायोगिक और वैरेचने। तो प्रायोगिक और वैरेचने को हम नासा से करते हैं। यहाँ पे हमने साथ पे मार्ग भी याद कर लिया। तो पारिक में देखने में तो पेज बहुत छोटा होता है, लेकिन हम जब इसको पढ़ाते हैं तो पूरा यहीं पर कंप्लीट कराते हैं, क्योंकि ये वाली चीजें फिर आप फिर से बुक में देख के देखने जाओगे। तो यहाँ पे हमने इकट्ठा लिख लिया ताकि साथ में इसका रिविजन हो जाए। आगे आता है प्रायोगिक धूम्रपान के काल। तो चरक जी ने प्रायोगिक के 8 काल बताए, बागभट्ट जी का यहाँ पे अष्टांग हृदय लिखना है, बागभट्ट जी के टोटल होते हैं 24, ठीक है, अष्टांग हृदय का, और अष्टांग संग्रह है।
इन्होंने बताया है 23, ठीक है। सुश्रुत का हो जाता है 12, याद कैसे होगा? देखो 12 दूनी 24, सुश्रुत का 12 है, हृदय का 24 है। हृदय से एक कम हो जाएगा संग्रह का, और प्रायोगिक चरक जी का तो बहुत अच्छे से हमको याद ही रहता है, 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं काल? स्नान भोजन वमन शीघ धातु नस्य अंजन एवं निद्रा के पश्चात, बोला है इसका सेवन करना चाहिए। तो हम क्रमशः याद करेंगे, पहले नंबर पर हम क्या याद करेंगे? पहले पर याद करेंगे दिवा निद्रा के पश्चात, पहला पॉइंट। आप सोकर उठे फिर आप क्या करते हैं? दातुन करते हैं। दातुन करने के बाद क्या करते हैं? नहाते हैं, हो गया। उसके बाद नहाने के बाद आप क्या करते हैं? चौथे नंबर पर आप भोजन लिख लो, भोजन हो गया। खाना अच्छा नहीं बना तो क्या हो गई? उल्टी भी हो सकती है, खाने में कुछ और चीज आ गई तो छींक भी हो सकती है, ऐसे कर लिया। और रात्रि में क्या करते हैं? नस्य अंजन लगा के सो गए। अंजन का निषेध किसी आचार्य ने बताया है, अभी मैं आपको ओनली याद करा रही हूँ। फिर आप घर से निकले, कहीं हॉस्पिटल गए, क्यों? क्योंकि आपको नस्य कराना था, अंजन कराना था। इस प्रकार से आप क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बागभट जी के अकॉर्डिंग प्रायोगिक 8 है, चरक का भी ऐसे ही था। मृदु 11 है, याद कैसे करेंगे? इस संसार में मृदु चीजें 1 से 1 है, 1 से 1 मतलब 11 हो जाएगा। तीक्ष्ण होते हैं 5। अब आ जाए सुश्रुत के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हमको प्रसव याद रखना है। प्रा से प्राय, सा से स्नेह, वा से विरेचनिक, 3 4 5 हमको लिखना चाहिए था, 3 4 5, लेकिन हमने क्या कर दिया? 3 को पीछे ले गए, तो क्या हो जाएगा? 4 5 3। तो प्रायोगिक 4, स्नेही 5, वैरचनिक हो जाएगा 3। अब याद कैसे करेंगे? तो पहले तो हम सबसे छोटा याद करेंगे वैरचनिक। तो वैरचनिक में क्या है? सोने के बाद नहाने से उल्टियां हो जाती हैं। याद कैसे करोगे? अगर हमने पहले सो लिया था उसके बाद तुरंत नहा लिया तो उल्टियां होने लगेंगी, तो वैरचनिक में 3 चीजें। स्नेहिक में कितनी है? 5 चीजें। यहाँ पर कुछ आधारणीय वेग हैं, कुछ धारणीय वेग हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि आचार्य सुश्रुत ने मैथुन के पश्चात किस प्रकार का धूमपान करने को बोला है, तो किस प्रकार का बोला है? स्नेहिक, है ना। तो फिर अपना दिमाग घूम जाता है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो यहाँ पर कुछ आधारणीय है, कुछ धारणीय वेग है। मूत्र त्याग आधारणीय हो गया, मैथुन आधारणीय हो गया, शवथु आधारणीय हो गया, और हंसना क्रोध करना, इनको हमको धारण करना चाहिए, ना ज्यादा हंसना चाहिए ना ज्यादा गुस्सा करना चाहिए, इसमें क्या है? स्नेही। याद कैसे होगा? तो जो अधारणी धारणीय वेग है ना, उसमें कहीं ना कहीं वायु की वृद्धि होती है, वात का प्रकोप हो जाता है, तो वात के प्रकोप को शमन करने के लिए हमको स्नेहन कराना चाहिए, स्नेहिक धूमपान, स्नेहन वात का शमन करेगा, ठीक है। अब बचा प्रायोगिक, उसमें क्या है? स्नान यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो हम जब कहीं प्रायोगिक परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल देने के लिए जा रहे हैं, सर्जरी का प्रैक्टिकल है, तो कैसे जाएंगे? पहले हम दांतों को साफ करेंगे, फिर नहाएंगे, फिर खाना खाएंगे, उसके बाद शस्त्र कर्म करने के लिए, प्रैक्टिकल देने के लिए जाएंगे। इस प्रकार से कोड बनाकर हमने याद भी कर लिया। ये तो हो गया हमारा प्राय धूमपान के काल। अब एक और पॉइंट आता है कि दैनिक काल कितने होते हैं। तो प्रायोगिक धूमपान के अगर दैनिक काल पूछे, दैनिक मतलब होता है दिन में कितनी बार देना चाहिए, तो प्रायोगिक का दैनिक काल होता है 2, स्नेहिक का होता है 1, है ना, और वैरचनिक का होता है 3 से 4 बार। याद कैसे होगा? परीक्षाएं 2 होती हैं, एक मुख्य परीक्षा एक प्रायोगिक परीक्षा, तो 2 हो गया। स्नेहन हम 1 ही बार कराते हैं दिन में, सुबह सुबह, 1 हो गया। WHO ने विरेचन संज्ञा कहां तक बोला है? 3 से 4 बार को बोला है, तो 3 से 4 बार।
पूरा याद होता है, हर एक चीज का कोड है, अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको याद होगा। नेक्स्ट आता है, निद्रा के भेद आचार्य चरक के 6 हैं, सुषुप्त का जस्ट हाफ कर देंगे 3 हो जाएगा, बाघ भट्ट के 7 होते हैं। तो चरक जी के 6, तमो भवा श्लेष्म समुद भवा मनः शरीर शम संभवा, मनः शरीर को सेपरेट कर देंगे तो बाघ भट्ट का बन जाता है। बाघ भट्ट ने यही तो किया है, चरक के जैसे बताया, मनः शरीर को सेपरेट कर दिया। ठीक है, आगंतुक की व्याध्यानुवर्ती रात्रि स्वभाव प्रवाह होता है। अब कुछ चीजें और होती हैं, तमो भवा पापों का मूल बोला गया है, चरक जी ने बोला है पापों का मूल। तो देखो, जब तम का आवरण चढ़ाता है तो व्यक्ति की प्रवृत्ति पाप करने की हो जाती है, ऐसे याद कर सकते हैं। और रात्रि स्वभाव को हम बोल सकते हैं, यह स्वभाव से आती है, भूत धात्री इसको बोला गया है, भूत धात्री। याद कैसे करोगे, रात के समय भूत आते हैं, 12 से 3 का टाइम होता है ना भूत का, रात्रि भूत धात्री, बाकी सभी व्याधि जन्य होते, ये स्वभावज होते हैं। 3 होता है वैष्णवी वैकारकी तामसी। तो वैष्णवी को ही क्या क्या बोला जाता है, 2 पर्याय बताए हैं, पापमा बोलते हैं और एक बोला जाता है स्वभाविक। याद करेंगे हम, वैष्णवी माँ का स्वभाव, तो वैष्णवी से वैष्णवी, माँ से पापमा, स्वभाव से स्वाभाविक हो जाएगा। वैष्णवी माँ का स्वभाव अच्छा है। नेक्स्ट आता है वैकारकी और तामसी। बागभट्ट जी ने 7 अभी जो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आता है दधी, सुषुप्त के 7 होते हैं, भाव प्रकाश के 5 होते हैं। जब हमने 7 में पढ़ा हुआ है तो तक्र भी हम पढ़ ले। आचार्य चरक ने तक्र के 3 भेद बताए, सुषुप्त जी ने 2 भेद बताए हैं। भाव प्रकाश का दधी भी 5 है, तक्र भी 5 है, बहुत ज्यादा पूछा गया भाव प्रकाश से। तो तक्र में रुक्ष, अर्ध स्नेह, पूर्ण स्नेह, तो रुक्ष है, अर्ध स्नेह, पूर्ण स्नेह, 3 प्रकार का है तक्र, है ना, पूरा घी निकाल लिया, कम घी निकाला, इस टाइप से याद करेंगे। सुश्रुत ने तक्र घोल बताया है, भाव प्रकाश के 5 कौन कौन से, घोल, मथित, तक्र, उदषित और छच्छिका। पूछा जाता है छच्छिका निम्न में से किसका भेद बचाया है आचार्य भाव प्रकाश ने, तो तक्र का बताया हुआ है। एक और पॉइंट यहाँ पे रह गया है, जो यहाँ पे लिखा है ना, सुश्रुत ने व्रण धूप नेत्र की लंबाई, तो यहाँ पर एक व्रण वस्ती नेत्र भी होता है, व्रण वस्ती नेत्र। उसका प्रमाण होता है 8 अंगुल और मूत्र वाही स्रोत, मतलब इतना बड़ा उसका छेद होता है, नेत्र होता है, उसमें मूंग चला जाता है, तो उसका छिद्र मुद्गवाही बोला है, कि मूंग वहां से पास हो जाए। नेक्स्ट आता है अधारणी वेग, चरक जी के 13 हैं, बाघभट्ट के भी 13 हैं, कहीं कहीं आपको 14 मिलेगा, वो सही नहीं है, श्लोका में 13 ही दिया हुआ है। चरकोक्त उद्गार के स्थान पर कास का वेग माना है। तो देखो, उद्गार चरक का है, कास ऐसा होता, काश वैसा होता, ये कौन बोलता है, नया नया लोग बोलता है ना, तो बागभट्ट जी का काल नया है, वो बोलते थे काश ऐसा होता होगा, है ना, तो काश किसका हो गया, बागभट्ट का। तो आज फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया है हमारा, आपको कंप्लीट 80 पेज पढ़ना है, तो आप पीजी आयुर्वेद प्रयोजना ऐप, जो कि आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर आपको स्टोर पर पूरा अवेलेबल होगा, वहां पर आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। थैंक यू।